हाय बच्चों, उम्मीद है आप लोग अच्छे और मज़े से अपने एग्जाम की तैयारी और अपने मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपके लिए फिर आज मैं आप एक नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। तो बच्चों देखो, इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे ना, इसमें रियल सेम एच सेफ का ही आपको पूरा क्या बोले थे शुरू में पहले वीडियो में, पूरा आपको कंसेप्ट हम देंगे, ट्रिक्स भी बताएंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले क्या कंसेप्ट है, ठीक है, वो आप पहले कंसेप्ट को क्लियर करो, ठीक है, कि कैसे निकालते हैं पहले समझ लो ये दोनों क्या चीज़ है, तब मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा आने वाला वीडियो में, इसके बाद के वीडियो में। ठीक है, तो बच्चों कैसा लग रहा है कमेंट्स जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे डिवीजन मेथड, ठीक है, कैसे डिवीजन मेथड में हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों हम लोग फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और बनाते हैं। चलो सबसे पहले देखो हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, ये तीनों नंबर आप बोलोगे सर आप तो तीनों वीडियो में सब में तीनों मेथड के एक ही नंबर लेके बना रहे हो, तो बच्चों कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिखोगे कि सर ये ऐसे नंबर का ऐसे ही आप बना के एक्सप्लेन कीजिए, तो मैं उस नंबर का वीडियो बना के आपको श्योर दूंगा। ठीक है, जस्ट मैं ये आपका कोशिश कर रहा हूँ कि आप मेथड्स को अच्छी तरह समझ जाओ और प्रैक्टिस करो। बच्चों मैथ्स जो है ना प्रैक्टिस का है, आपको प्रैक्टिस करने का थोड़ा जोर रहता है। ठीक है, आपके पास कोई भी स्कूल्स का बुक हो आप वहाँ से थोड़ा प्रैक्टिस करो, और नहीं बनता है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना, हम उसमें आपको वीडियो बना के एक्सप्लेन करके पूरा अच्छा से देंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो हम लोग शुरू करते हैं। चलो ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों एचसीएफ नंबर हमारा क्या है, ये 24, 36, 48 हम अलग अलग बना रहे हैं, थोड़ा देखना कैसे कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंस आपको और ध्यान दोगे यहाँ थोड़ा सा। ठीक है, तो बच्चों इसको डिवाइड करना है, ये तीनों नंबर को ऐसे हम लोग ड्रॉ कर दिए। अब ऐसा नंबर आपको ढूंढना है बच्चों, आपको ये तीनों नंबर सेम से डिवाइड हो, तो ऐसा हमारे पास एक नंबर है प्राइम नंबर 2। ठीक है, डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करोगे यहाँ कोशियंट आपको लिखते जाना है। ठीक है, आप देखो 36 को करोगे तो यकीन आएगा, इसको करोगे तो 24 आएगा, कर दिए। नेक्स्ट बच्चों क्या करना है, ये 2 से इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, क्या करोगे फिर ये आ जाएगा 6, 9, 12। ठीक है, अब बच्चों देखो अब 2 से यहाँ आपको नहीं करना है, ये देखना यहाँ आपको है, जब आप ये एचसीएफ निकालोगे तो तीन नंबर है, तीनों को सेम नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखोगे एचसीएफ निकालते समय। ठीक है, नहीं तो बोलोगे सर कन्फ्यूजन हो रहा है या नहीं। अब देखो बच्चों ये तीन नंबर जो हमारे यहाँ बचा 6, 9, 12, अब एक ऐसा प्राइम नंबर ढूंढो सोचो कि वो तीनों से डिवाइड हो जाए, तीनों को डिवाइड करें। ठीक है, तो तीनों को डिवाइड करने वाला हमारे पास ऐसा प्राइम नंबर कौन सा है, देखो आप ढूंढोगे दिमाग में आपका 3 आएगा। ठीक है, तो ये 3 का टेबल में तीनों आता है। ठीक है, तो इसको 3 से डिवाइड कर, 2 बार में 3 बार में 4। अब देखो बच्चों ऐसा कोई नंबर नहीं है हमारे पास 1 छोड़ के। ठीक है, ये तीनों को डिवाइड करें। ठीक है, तो आगे इसको हमको नहीं बढ़ना है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ हमारा एक्सेप्ट क्या आ जाएगा बच्चों, देखो एक्सेप्ट जो होगा ये साइड जो है ना, ये तीनों जो हमारा डिवाइड हुआ सबसे, ये तीनों का प्रोडक्ट को हम लोग एक्सेप्ट को लेंगे, 2 × 2 × 3 पहले भी निकाले हैं, 12 आया है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों एलसीएम का देखिए। ठीक है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट है तो जरूर कमेंट करना। ठीक है, अब बच्चों देखो जो हमारा एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। ठीक है, तो देखो 24 है, 36 है, 48, तो यहाँ पहले हम लोग चलते हैं बच्चों डिवाइड करते हैं छोटा नंबर से, छोटा प्राइम नंबर से। तो छोटा प्राइम नंबर कौन सा है आपका, 2 है। ठीक है, ऐसे ही डिवाइड करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, पहले तो 2 से कहीं तक आराम से आप कर दो। ठीक है, 12, 18, 24। अब क्या बच्चों यहाँ 2 से करो, फिर 6, 9, 12। अब हमें क्या करना है बच्चों, या ऐसा नंबर से इसको डिवाइड करो, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ कि वो नंबर हमारा तीनों को डिवाइड करे। ठीक है, यहाँ देखो कम से कम
जिससे वो डिवाइड होना चाहिए, एक भी डिवाइड हो रहा है तो आपको करना है। अब यहाँ देखो टू से करते तो ये डिवाइड होगा, ये नहीं होगा, तो हम लोग टू से करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ आपको क्या बताए थे कि तीन डिजिट है, तीनों डिजिट को ऐसा नंबर लेना है कि तीनों को डिवाइड करें, ठीक है। यहाँ वो आपका जो बाध्यता है वो आपका जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ लोग क्या करेंगे, फट से टू से डिवाइड करते हैं, कारण कि दो का टेबल में ये सिक्स और ट्वेल्व आता है, तो यहाँ कर दीजिए थ्री बार में, ये नहीं कटेगा तो वो उसे रख देना है, ठीक है, यहाँ सिक्स। अब बच्चों देखो, अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग, टू से एक डिवाइड हो रहा है तो कर देते हैं, ठीक है, टू से, कारण कि यहाँ क्या है आपको एक भी डिवाइड होगा तो उसको करना है, ठीक है, ऐसे हम निकालते सर। अब यहाँ देखो टू से किए तो थ्री, ये तो कटेगा नहीं, नहीं ये तीन बार में जाएगा, कर दिए। अब देखो ये तीनों नंबर जो बचा लास्ट में थ्री से कटेगा, आप टू से कोई नहीं कटेगा, तो जब उस नंबर से कोई नंबर नहीं डिवाइड होगा तो उसको छोड़ देना है। अब दूसरा हम लोग प्राइम नंबर देखते हैं, तो दूसरा प्राइम नंबर बेटा देखो बच्चों क्या है आपका, थ्री होगा, तो यहाँ वन बार में या थ्री बार में या वन बार में रहेगा, ठीक है। अब देखो लास्ट में ये थ्री बचा, एक ही नंबर थ्री, तो हम लोग फिर थ्री से ही डिवाइड करते हैं, तो लास्ट में आपको डिवीजन करते करते ये क्या है रिमाइंडर, लास्ट में एकदम बच्चों वन आना चाहिए, इसमें आपको वन एलसीएफ निकालते समय यहाँ वन लाना नहीं है हमको, ठीक है, यहाँ आपको वन आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई करके हम लोग एलसीएम निकाल देते हैं, ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे ये जितना यहाँ आया आपको डिवाइड करके ये डिवाइजर, ठीक है, सब को लेकर मल्टीप्लाई कर देना है, तो आप क्या करोगे टू चार बार आया है मल्टीप्लाई करो, ठीक है, थ्री दो बार आया है मल्टीप्लाई करो। अब देखो बच्चों ये क्या है, ये टू टू चार बार मल्टीप्लाई करोगे फोर टाइम टू सिक्सटीन आता है, थ्री इंटू थ्री नाइन होता है, तो आ जाएगा बच्चों वन और तीन फोर आ जाएगा। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स जरूर करना फटाफट, हमें आपके कमेंट्स का काफ़ी इंतजार रहता है, थैंक यू।